ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का श्री राम कथा के 9 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में हम आज बहुत राम कथा में काफी आगे बढ़ने वाले, तो बिल्कुल कान खोल करके सुनना है क्योंकि भागवतम में कहा जाता है 2.8.5 में बोला है सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य था शरत। क्या कहते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा, जब कान के छिद्रों से भगवान राम की कथा अंदर जाती है तो क्या होता है, स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति शलम कृष्णा, तो उस कथा के साथ भगवान राम भगवान कृष्ण चले जाते हैं। जब कानों से भगवान राम भगवान कृष्ण की कथा जाती है तो उसी कानों के माध्यम से भगवान कृष्ण तथा राम हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या करते हैं, धुनोति शललम, धुनोति मतलब धुलना, धुल देते हैं, साफ कर देते हैं। क्या साफ कर देते हैं, शललम जो जितना गंदगी अंदर भरी पड़ी है ना उसको साफ कर देते हैं। कृष्णा सललस्य था शरत, जैसे अगर आप एक गिलास में गंदा पानी भरा हुआ है और उस पानी को अगर आप नल के नीचे लगा दें, चलते हुए नल के नीचे, तो क्या होता है, वो जब नल चलता है तो उसका गंदा पानी बाहर निकल जाता है और अच्छा पानी उसमें बन जाता है, तो इस तरह से साफ हो जाता है, साफ पानी गिलास में रह जाता है। उसी तरह से हृदय में जो गंदगी है, उस गंदगी को जब आप कथा रूपी पानी लगातार अपने कर्ण रंध्रों से रंध्रेण से डालते हैं और हृदय में पहुंचता है तो हृदय की जितनी गंदगी वो बाहर निकल जाती है। इसलिए भगवान राम की कथा जो हम सुन रहे हैं बहुत उत्तम है। इसलिए 1.2.14 में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्मा देकेन मनसा भगवान सात ताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च धेया पूजस नित्यदा। इसीलिए ध्यान लगा करके एकाग्रता से सुनिए,
जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं आज रामचंद्र जी की, आज हम आगे कथा पढ़ने जा रहे हैं, आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और सुनेंगे। आज भगवान राम का जन्म होने वाला है, और लेकिन जन्म के लिए क्या क्या हुआ, दशरथ जी की उम्र कितनी रही, किस उम्र में आकर उनको रामचंद्र जी प्राप्त हुए, कितने दिनों के तपस्याओं के बाद भगवान प्राप्त होते हैं, और क्या क्या करना पड़ता है, हम ये सब अभी देखने वाले हैं। इसलिए कहते हैं तस्मा देखे मनसा भगवान साधताम पति ही श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, यानी भगवान के जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में आप सुन रहे हैं तो ध्यान कान लगा करके ध्यान से सुनना है, और इस तरह से भगवान के जो भक्तों के रक्षक जो भगवान हैं वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें एकाग्रता देते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने भागवतम के दो श्लोक किस लिए, ताकि आपको बता दें कि सुखदेव गोस्वामी हमें क्या आदेश देते हैं। हम कल कहां तक पहुंचे थे, मैं एक बार रैपिड रिवीजन कर देता हूं सबका, ताकि कोई कंफ्यूजन में ना रहे। स्थितियां ये थी कि सारे देवलोक पृथ्वी में जितने निवासी थे सब बहुत परेशान हैं, और बहुत परेशान होने की वजह से क्या स्थिति है उनकी, इतने परेशान हैं कि वो डर रहे हैं। राक्षस राज रावण जब एक अपने नजरे घुमा देता था जिस भी दिशा में, अगर वो जो है पर ऊपर देख ले तो देवता हिल जाते थे, नीचे देख ले तो पूरे जितना नर समाज या पुरुष समाज जितने लोग हैं वो लोग डर जाते थे, मानव समाज पाताल लोक में लोग भयभीत हो जाते थे। और जब वो चलता था तो धरती डोलती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। इन परिस्थितियों की वजह से भगवान से विनती करने के लिए और इसका उपाय पाने के लिए पहले जितने देवी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता सबके सब किसके पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास, एक साथ हाहाकार मचाने लगे, ब्रह्मा जी कुछ तो करिए, ये तो हमारी स्थिति को ही खत्म कर देगा, राक्षस राज रावण नीचे बैठा हुआ है, वो कहीं भी आता है जहां भ्रकुटी हिला देता लोग हिल जाते हैं। इंद्रजीत नाम क्यों पड़ा था मेघनाथ का, क्योंकि वो जो है वो इंद्र को अपने कमरे बंद कर लिया जाकर के ब्रह्मा जी के कहने पर छोड़ा। ऐसे ऐसे शक्तिशाली राक्षस हैं ये लोग, ये देख के घबरा रहे हैं देवतागण। उधर शिव जी भी उपस्थित हैं, और शिव जी जो है उपस्थित हैं तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान आएंगे भगवान के, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि जो भगवान की स्थिति है वो कैसी है, भगवान को अगर आपको बुलाना चाहते तो भगवान को क्या करना पड़ेगा, उनकी विनती करनी पड़ेगी, और अगर हम विनती करते हैं तो हमें पता है भगवान हर समय हमें सुन रहे हैं। शिव जी ने जब सजेशन दिया ब्रह्मा जी को, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव जी भी उपलब्ध थे, वहां पर सब लोग खड़े थे, तो शिव जी के कहने पर सारे देवता एक सुर में क्या गाने लगे, गाएंगे साथ में, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये रामचरितमानस का छंद है, जिसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत अच्छा छंद है, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। अब उनको गा रहे हैं भगवान, क्या गा के बोल रहे हैं, कह रहे हैं हे देवताओं के स्वामी, यानी सब देवता यानी 33 करोड़ देवी देवता जब एक सुर में गाते हैं, इसलिए कहते हैं सत्संग में एक सुर के में गाना चाहिए, जब सब लोग बैठे हैं एक सुर में गाना चाहिए, तब भगवान के हृदय में बात पहुंचती है, साधारण नहीं पहुंचती है। क्या बोलते हैं, कहते हैं हे देवताओं के स्वामी, हे सेवकों के सुख देने वाले, हे शरणागत के रक्षक रक्षा करने वाले आपकी जय हो, हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, हे समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो, हे देवताओं और पृथ्वियों का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है उसका कोई भेद नहीं जानता, ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है वो हम पर कृपा करें। सब भगवान सब एक सुर में बोल रहे,
कहते हैं जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्वासर ध्यावहीं गुन गन गावहीं जयति सच्चिदानंदा। और कहते हैं हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले हैं आप जो है आनंद स्वरूप हैं, अज्ञे हैं, इंद्रियों से परे हैं, पवित्र चरित्र वाले हैं, ऐसे उनका गुणगान गाने लगे। और कहते हैं इसमें रेवा माता जी ने पूछा है व्हाई वी चैंट हरे कृष्ण फर्स्ट इन महामंत्र ऑल्दो सम। माता जी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आगे आने वाले समय पर लेंगे, अभी हम राम कथा को थोड़ा एंजॉय करते हैं। यह उत्तर बहुत प्रश्न बहुत उत्तर उत्तम है आपका, मैं पूरा इसको आपको शास्त्र के सहित बताऊंगा कि कहां से है इसका रेफरेंस के साथ। फिर कहते हैं इस तरह से जब उन्होंने सारे देवताओं ने मिलकर क्या किया, उनसे भक्ति के साथ उपासना करी, जब उपासना करी तो भगवान की क्या किए, भगवान ने उनको दर्शन दिया और एक जोरदार आवाज हुई आकाशवाणी टाइप का हुआ, कहते हैं आप चिंता ना करो मैं आऊंगा और आ करके मैं सबका क्या करूंगा, मैं जितना पृथ्वी का बोझ कम करूंगा, जितने साधु हैं उनकी रक्षा करूंगा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, जितने दुष्ट उनको मारने आऊंगा चिंता ना कर। भगवान उनको जब बाला बोला तो सारे देवताओं के मन में आज घर जाके अच्छा लगेगा, जैसे कभी कोई परेशान हो और बीच में कोई बोल दे परेशान हो जाके कोई पुलिस वाला आए या कोई अच्छे पद का व्यक्ति आए, वो बोल दे आप चिंता ना करो मैं हूं ना, मैं आके सबको पिटाई करूंगा, परेशान मत होना। अगर कोई ऐसा बोल देता है तो क्या होता है, बड़ा मन को शांति मिलती है, बहुत उत्तम वाह क्या बढ़िया बोल दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बताया कि मैं आगे आऊंगा। तो अब ये जो कथा सुना रहे तब धीरे से ये तो हो गया, अब जब उनके आने की बात बारी आई तब क्या होता है, तो ये कथा सुना कौन रहा है, सुना रहे हैं। देखिए अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रेफरेंस मिलेगा, लेकिन हम लोग वाल्मीकि रामायण को ले रहे हैं, कुछ कुछ छंद हम रामचरितमानस के लेंगे, अलग अलग उदाहरण से लेंगे। तो इधर लव और कुश सुनाने में लगे हुए कथा कहां पे, रामचंद्र जी के दरबार में ही खड़े हुए सुना रहे हैं कि दशरथ अभी उधर तो बोल दिया लेकिन इधर दशरथ जी दुखी हैं, अब पहले में सीन चल रहा है, उधर देवता लोग ऐसे परेशान हैं, इधर दशरथ भी दुखी हैं, क्यों, क्योंकि दशरथ के पास कोई पुत्र प्राप्त नहीं है, पुत्र नहीं है। अब जब पुत्र नहीं है तो दशरथ जी क्या कहते हैं कि जो है मुझे किसी तरह से पुत्र चाहिए, और दशरथ जी की उम्र कितनी हो गई है, दशरथ जी 60,000 ईयर्स के हो गए, 60,000 साल के उम्र है उनकी, वो दसों दिशाओं में युद्ध करके सब जगह से विजेता हैं और सब कुछ उनके पास समय है, लेकिन उनके पास एक दुख भी है साथ में, क्या ये दुख है कि मेरे पास पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो वो जो है ये सोचने लगे कि अब मुझे एक अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन अब यश अश्वमेघ यज्ञ भी करना है तो कोई प्रॉपर पुरोहित होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यह अश्वमेघ यज्ञ को बिल्कुल सच्चा अच्छे से करा सके बिना किसी विघ्न के, और कैसा हो, जो बिल्कुल जिसने अपनी माँ का मुंह ना देखा हो, मतलब जन्म लेते समय, जन्म लेने के बाद भी कुछ ऐसी शर्तें थी, वो जब कराएगा तो फिर उसके बाद वो और भी कुछ यज्ञ कराएगा, पुत्र कामिष्ट यज्ञ, तब जाकर के कुछ प्राप्त होगा, पुत्र आएगा, ऐसा पीछे से था। यानी अभी कथा सुना कौन रहा है, दशरथ जी परेशान है कि मुझे पुत्र कैसे प्राप्त हो, और उन्होंने जब जो है वशिष्ठ जी से बोला कि मुझे ये कराना है और मुझे पुत्र चाहिए, तो सुमंत्र जो उनके मुख्यमंत्री हैं, सुमंत्र जी उनको एक तरफ ले गए, कहते हैं कि आप जिस पुत्र की प्राप्ति की बात कर रहे हैं लगता है मुझे उसका समय आ गया है, क्योंकि मैंने खुद जो सनत कुमार हैं, जो चतुष, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र आप जानते हैं, उसमें जो सनत कुमार है उनसे मैंने डायरेक्टली सुना है, क्या सुना है कि भगवान रामचंद्र जी के रूप में दशरथ के आप पुत्र देंगे, पुत्र के रूप में आएंगे और
क्या होगा, लेकिन एक अश्वमेघ यज्ञ कराएंगे और कौन कराएंगे, कहेंगे ऋषश्रृंग कराएंगे, ऋषश्रृंग। अब ये ऋषश्रृंग कौन है, तो ऋषश्रृंग की बड़ी अद्भुत कथा है। तो एक समय की बात है, आपको बड़ी कथा में बड़ी रोचकता आएगी क्योंकि ऐसी ऐसी रोचक कथाएं हैं जो बड़ा ही आनंद देती हैं। एक अंग देश है, अंग देश में वहां का राजा है रोमपाद। अंग देश के राजा कौन है, रोमपाद। और अंग देश के राजा हैं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वहां पूरा अकाल पड़ गया। अब वहां पानी की एक बूंद नहीं, त्राही त्राही मच गई। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला के बोला कि इस पाप का क्या मैं करूं, किस तरह से करूं ताकि यहां से फिर से पानी की बारिश हो, फिर से लोग आना शुरू करें, कैसा करें, क्या करें। वो बिल्कुल परेशान है इस समय। जब वो परेशान है तो उन्होंने जो है उनके ऋषियों ने बोला, उनके जो ब्राह्मणों ने बोला कि एक ऋषि हैं जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब जिनको, जिन्होंने सपने में भी जिनका वीर स्खलित नहीं हुआ, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वो जो है और उन्होंने अपनी माँ का भी चेहरा नहीं देखा। तो क्या ऐसा कैसे, मतलब माँ ने जन्म दिया तो माँ को तो गोद में माँ ने लिया होगा, तो पहली नजर तो पड़ी होगी, ऐसा तो हुआ नहीं कि माँ का चेहरा ही नहीं देखा हो। उन्होंने उसके पीछे कथा बताई कि ऋषश्रृंग विभांडक मुनि के पुत्र हैं, और विभांडक मुनि क्या थे, वो कुंड में समाधि लेकर के बैठे हुए थे, समाधि पूरे ध्यान के साथ बैठे थे विभांडक मुनि। और जब ध्यान के साथ बैठे थे तो जब भी कभी भी कोई ऋषि मुनि ध्यान के साथ बैठते थे ना, तो इंद्र हमेशा परेशान हो जाता था कि अरे ये इतना ध्यान के साथ बैठ करके ऐसा ना हो कि जो ये मेरे पास अचानक मेरी गति ले ले उसको हमेशा डर बना रहता। जब उनको डर रहता है तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका ध्यान भंग टूट जाए। तो उधर अप्सरा जो उर्वशी अप्सरा उधर से गुजरी, उर्वशी अप्सरा जब गुजरी तो जो है ऋषि पूरे ध्यान बैठे थे, लेकिन जब उनको देखा तो उनका वीर स्खलित हुआ और वो पानी में ही आया। और उधर एक हिरणी थी, वो पानी के साथ पी गई और उसके बाद वो पुत्र के रूप में हिरणी के पेट में आ गया। और हिरणी के जैसे ही उस पुत्र ने जन्म लिया तो बाकी चेहरा तो इंसान का था लेकिन सींगें उसकी थी हिरण जैसी, इसलिए उनका नाम पड़ गया ऋषश्रृंग। अब वो जो ऋषश्रृंग थे, ऋषश्रृंग वो जो है थे तो अब उसी जगह जहां पर जो है विभांडक मुनि रहते थे उनकी कुटिया के पास ही बच्चा देखो भाग गई हिरणी। तो इससे उन्होंने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। अब विभांडक मुनि उनको अपने घर लेके आ गए। विभांडक मुनि जब देखा अरे बच्चा रो रहा है और बड़ा अजीब बच्चा, इसके सींग है, कौन है, उन्होंने पूरा ध्यान लगा के देखा तो उनको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब वो उस बच्चे को अपने साथ ले आए तो उन्होंने सोचा इस बच्चे को मैं इस तरह से पालूंगा कि इसको माया बिल्कुल छू भी नहीं सकेगी। और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा और कभी किसी भी स्त्री का मुंह नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। अब इधर स्त्री का मुंह दिखाया नहीं, उन्होंने केवल देखा था या तो विभांडक ऋषि को देखा था या तो उनके पास एक दो ऋषि आते थे तो सारे पुरुषों को देखा। तो इनको कभी पता नहीं कि स्त्री नाम का भी कोई व्यक्तित्व तो होता है, विभांडक ऋषश्रृंग को पता ही नहीं था। अब ये बात जो है जब उनको पता चली रोमपाद को कि हम कुछ कर सकते हैं, तो रोमपाद जी जो और बोला ऋषियों ब्राह्मणों ने रोमपाद जी से आपको एक काम करना चाहिए, अगर वो आ जाए और आपकी पुत्री जो शांता है, तो रोमपाद की पुत्री शांता, आप कहें रोमपाद की पुत्री शांता है, आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं जहां ये शांता दशरथ जी की असली पुत्री है। दशरथ जी के पास एक पुत्री थी और एक ही पुत्र नहीं था। रोमपाद जी एक बार उनके पास आते हैं, कहते मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कृपया आप मुझे जो है कुछ करें। तो दशरथ जी को इतनी करुणा आ गई अपने मित्र के ऊपर, उनका मेरे पास एक पुत्री है, आप वो पुत्री लेके आप अपना पालो उसको और आनंद लो। अब वो जो है पुत्री को लेकर के वो रोमपाद चले गए। तो कहते हैं ब्राह्मण कि जो ये शांता है अगर इनके साथ ऋषश्रृंग विवाह कर ले तो समझ लीजिए फिर यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और एक बार अगर आ भी जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। अब जब उनकी ऋषश्रृंग बारे पता चला, अरे ये तो ऋषि, ये तो ऐसे मुनि के हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वो तो किसी से मिलने तक नहीं देते, तो उनको कैसे लेके आ पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अब सबने एक प्लान बनाया कि देखिए ऐसे जाना तो मुश्किल है। अब जाकर के उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की जो सबसे सुंदर कन्याएं हैं उनको जो है उनको इनका ध्यान भंग ऋषश्रृंग को लेके आने के लिए नियुक्त किया। अब उन कन्याओं ने क्या किया, जहां कुटिया थी इनकी विभांडक मुनि की
वहीं पर बगल में नदी के ऊपर तैरती हुई कुटिया बना ली, यानी नाव के ऊपर पूरी कुटिया बना ली, बड़ी सी नाव के ऊपर, और वहां से नाव से ही आए और इसी यहाँ भी कुटिया में रहने लगे। अब अच्छे अच्छे मिठाई बनाती थी, सुगंध आता था उसमें। तो एक बार ऐसे ऋषि संघ जा रहे थे तो देखा ये कुटिया कहाँ से आ गई। तब कुटिया में जाकर देखा तो उन्होंने उस समय उन माताओं को देखा। जब उनको देखा तो वो सोचे ये कैसे जो है, ये तो मैंने ऐसा आज तक कभी देखा नहीं, ये कौन है, ये कहां से, मतलब ये कैसे ऋषि हैं, ये लोग ऐसे ऋषियों को तो मैंने कभी नहीं देखा। और उनको उनको पता नहीं था कि स्त्रियां भी कुछ होती हैं। अब वो उनके जो है पास चले जाते हैं उनसे, जब वो तो वो आती हैं, उनकी आवाज सुनी कि इतनी मीठी आवाज, इतनी मधुर आवाज तो मैंने कभी, मैंने हमेशा हरे कृष्णा सुना है, ये इतनी पतली मधुर आवाज कहां से आ रही है, ये कैसे इनकी मधुर आवाज निकल रही है। वो भी बिल्कुल परेशान हुए। फिर उन्होंने उनको बिठाया और उन्होंने जब उनको आराम से बिठा के अपने पास बिठाया और प्यार से उनको बात करने लगी तो जो है ये भी परेशान। अब उनको मिठाई खिलाई, जब उन्होंने मिठाई खाई तो ऐसी मिठाई उन्होंने जिंदगी में नहीं खाई थी। उनका उन्होंने सोचा ऐसा कोई फल, ये कैसा फल है, इतना मीठा फल। और स्त्रियां जो है वहां से जब वो जब हो गया टाइम हुआ तो ऋषि संघ अपने वापस आए। लेकिन जब वापस आए तो इनके मन में लगातार बेचैनी बनी रही, अरे कौन थे। और वो फिर जो है उनके दूसरे तीसरे दिन लगातार ध्यान में आने वजह से फिर से उनसे मिलने गए। वो कौन थे, वो लोग यही सोचते कौन से ऋषि मुनि थे, इतने मधुर आवाज वाले, इतने अच्छा स्पर्श वाले। अब वो जो है उन ऋषि मुनि को जो है जब वापस फिर से ऋषि संघ गए तो उन्होंने जो है फिर से उनसे डिस्कशन शुरू किया। अब जब डिस्कशन शुरू किया तो उन्होंने बताया कि आप जो है जब कहते हैं अच्छा आप कहाँ से हैं, आपका घर कुटिया तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी कुटिया लग रही। कहिए तो कुछ भी नहीं, हमारी बड़ी कुटिया वहां पर है। और इस तरह से करके वो जो है उनको रोमपाद जी के पास ले गए। जैसे ही इनके ऋषि संघ के चरण पड़े उधर जोरदार बारिश होने लगी और उधर बारिश होने लगी। अब ये ऋषि संघ उनके पास जो है मिलने गए और रोमपाद के पास पहुंचे और रोमपाद जी ने उनको बुलाया और पूरी व्यवस्था सेट कर दी थी और उनसे बोला कि देखिए शांता है, इनके कुछ विवाह भी होता है, आप विवाह कर लीजिए। वो विवाह करने लगे। अब जैसे विवाह होने लगा तो ऋषि संघ बोलते आपने तो मेरी बहुत सेवा कर दी, मांगिए मुझसे क्या मांगते। अब इनको पता था कि हमने तो इनको छल से कर दिया है। अब जब ये जो है विभांडक मुनि आएंगे, ऋषि आएंगे, वो तो बिल्कुल श्राप दे देंगे। तो कहते आप इस से करिए कि आपके पिताजी हमें श्राप ना दें। और उन्होंने इनको अभय दिया, कहते कोई बात नहीं। अब ये दशरथ जी को जब कहानी पता चली तो जो है उन्होंने बोला ठीक है, उनको तुरंत इमीडिएटली बुलाते हैं। और उनको बुलाया गया, ऋषि संघ आए और उन्होंने जो है तब अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़े में लिखा होता है कि आप अगर युद्ध कर सकते हो तो करो। तो पूरे राज्य में एक बार वो घूम के आता है। तो एक वर्ष तक घोड़ा घूमता रहा और सबने स्वीकार किया उनका जो है स्वामित्व दशरथ जी का। जब वो वापस आया तो वापस आकर के उसने जो है घोड़ा जब वापस आया तो यहाँ पर आने के बाद फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हो रहा था, ऋषि संघ ने बोला कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। जब यज्ञ हो रहा था तो जो है उस यज्ञ से एक बिल्कुल देव पुरुष निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे देव पुरुष उस अग्नि से निकलते हैं, बिल्कुल ऊंचे विशाल काया है उनकी, हाथ में एक कटोरा है जिसके अंदर खीर है और स्वर्ण कटोरा के अंदर खीर, और ऊपर बाहर निकलते हैं बिल्कुल उनका बिल्कुल श्याम वर्ण कह सकते हैं, हल्का काला शरीर चेहरा है और इतने सुंदर लग रहे हैं। तो उनसे पूछा आप कौन है, कहते मैं विष्णुदूत हूं। और विष्णुदूत आकर के उनको जो है और दशरथ जी के हाथ में खीर रखते हैं और कहते हैं अपनी पत्नियों को आप खिला दीजिए। अब जो है यहां से जब पत्नी को उन्होंने वो खीर खिलाई, वो जब हाथ में आए तो वो बहुत बड़ा शरीर तो इतना बड़ा कटोरा था, लेकिन जब दशरथ जी के हाथ में आया तो ऑटोमेटिकली वो अपने साइज में आ गया। और लेकर के वो जो है दशरथ जी के हाथ में जब खीर का कटोरा आता है तो वो जो है लेकर के पहुंच जाते हैं अपनी रानियों के पास। कौशल्या जी को खिलाते हैं आधा भाग कौशल्या जी प्राप्त करती हैं। उसके बाद फिर जो है सौमित्रा जी को खिलाते हैं चौथाई, फिर 185 खिलाते हैं कैकेयी को, और फिर जो बचा पोर्शन है फिर सौमित्रा को दे देते हैं कुछ सोच करके। और इस तरह से करके जब वो सोच के देते हैं तो जो है वो पूरा एक सब लोग ये प्रसन्न हैं कि अब ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पूजा पाठ हुआ, बहुत अच्छे से लोगों ने जो है आशीर्वाद दिया।
और साथ में खीर भी वहां से आए तो अब माताएं भी प्रसन्न है कि अब उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सब चल रहा था। और जब ये 12 मास तक भगवान ने जो है अपने प्रेजेंस दिखाई पेट में, 12 मास के बाद उन्होंने प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो साधारण प्रकट नहीं हुए, तुलसीदास जी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, वो साधारण प्रकट नहीं हुए, बहुत अच्छे से प्रकट हुए। और प्रकट कैसे होते हैं, कहते हैं जब वो आए तो बिल्कुल अपने पूरे ऐश्वर्य में आए, आभा ऐश्वर्य के साथ आए। और कैसा ऐश्वर्य था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माता जब देख जब प्रेजेंट हुए तो इस तरह से दिख रहे थे, कहते उनको देखते ही माता को प्रसन्नता मिली, अरे भगवान कहाँ सामने आ गए, बिल्कुल प्रेजेंट हो गए सामने आकर के। और वो आए और उन आकर के जब माता को देख, जब माता ने उनको देखा तो एक अद्भुत रूप से देख करके बिल्कुल खुश हो गई, वो मेघ वर्ण के थे और चारों भुजाएं थी उनके हाथ में, चार और वो चार भुजाओं में कुछ कुछ लिए हुए थे और बिल्कुल विष्णु रूप, विष्णु लग रहे थे। तो माता के सामने अचानक आया अद्भुत रूप विष्णु रूप, और बिल्कुल लग रहा था जैसे वो खर को जिन्होंने मारा था ये वही है, ऐसा उनके मन में विचार आया। और वो उस मन के विचार को लेकर बड़ी जो है अंदर से सोचने लगी, है कौन, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहती है कह दुई कर जोड़ी अस्तुत तोरी कही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण भनंता। ऐसे करके उनकी वो क्या करने लगी, स्तुति करने लगी और जो है उनको बताने लगी कि आप कौन है, आप तो बिल्कुल माया आपके गुलाम है, आप तो बिल्कुल परे हैं, गुणों से भी पड़े हैं, गुण आपको प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे करके उनकी खूब स्तुति करी, बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप तो चतुर्रूप में हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, अगर इस रूप में रहेंगे तो कौन जो है मानेगा कि जो आप कौन हैं, जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं आप वो हैं, जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं और आप स्वयं मेरे गर्भ में थे, ये कौन विश्वास मानेगा, आप बालक रूप में आइए, है ना। और बिल्कुल जैसे ही उन्होंने बोला कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुभव, मुझे उस सुख को दीजिए, जैसे ही भगवान ने सुना क्या कर क्या है, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कि हां करके भगवान रोने लगे। और जब भगवान कि हां करके रोने लगे तो जो है कहते हैं बालक रूप में आए। और इस चरित्र को भगवान के गाने वाले को सुनने वाले का हृदय साफ होता है, कोमल होता है। अब भगवान किलकारियां मार रहे हैं, भगवान की हां के हां के हां के हां करके रो रहे हैं। और जो है कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। कहते ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिए हैं। किसके लिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है, कहते मैं तो जो है कैसे मेरा जन्म हुआ, देखो मैं तो क्षत्रिय के आयाम के नीचे कुल में पैदा हो गए, नहीं ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जन्म से ब्राह्मण होकर के भी अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता तो द्विज हो जाता है, द्विज बंधु, यानी वो ब्राह्मण नहीं रह जाता। तो लेकिन जो व्यक्ति इवन नीचे कुलों में जन्म लेकर के भी अगर वो ब्राह्मणत्व वाले कार्य करता है, भगवान को जानता है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत वो ब्राह्मण असली ब्राह्मण कहलाता है, वो दीक्षा दे सकता है। उपदेशयति उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञान दे सकते हैं जो ज्ञानी है और जो तत्वदर्शी है। तो जो तत्वदर्शी है असली ब्राह्मण वही है, कहते हैं। तो और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ऐसा नहीं है कि जो शरीर उनको बनाए उनके कर्मों की वजह से बन गया है कि ऐसा शरीर मिला है, वो अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आकर के रहते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, वो माया के वशीभूत होकर के नहीं आ गए कि तुमने ये किया था इस कर्म के बंधन में बंध करके आए हो, नहीं, वो कर्म के बंधन में बंध के नहीं आते।
ये कितना आनंद वाली बात है। और जो है भगवान इस समय जन्म ले लिए हैं, वो खेल कूद, अब जब जन्म लिए तो उन्होंने लीलाएं करनी शुरू कर अपनी बाल लीला। उनकी बाल लीला बड़ी मधुर है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग जो है बातें अलग अलग लीला करते रहे। बहुत कुछ कुछ एक लीला थी भगवान की, कितनी मधुर लीला है। कौशल्या मैया जो है, जब रामचंद्र जी, पहले तो मैं बताता हूँ, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उसके बाद जो है भरत जी का जन्म हुआ, फिर दो दिन बाद जाकर के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ सौमित्रा से। तो जो है यानी कितना हुआ, पहले रामचंद्र जी, फिर भरत, फिर दो दिन बाद जाकर के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो लेकिन उसके बाद जो है जब उनका हो जाता है, पूरा जन्म हो गया, अब वो लीला कर रहे हैं, इधर मैया उनको बिल्कुल साफ सुथरा करके उनको कहा कर देती है, पालने में डाल देती हैं, रख देती हैं उनको। अब जब पालने में रख दिया उन्होंने, मैया ने साफ सुथरा करके, और फिर जाकर उन्होंने भगवान को भोग लगाया। जब भगवान को भोग लगाने बैठी तो क्या देखती हैं कि अरे भगवान का भोग जैसे ही लगना शुरू हुआ, भोग लगाया, उसके बाद जब वापस जाके देखा तो जब थोड़ा सा बाहर गई, भोग लगा किचन में कुछ सामान लेने, जब इधर रही तो देखा लल्ला जी उनका भोग खा रहे हैं। भोग किसको लगाया, उन्होंने विष्णु को लगाया, और जिनको नहला धुला के बैठाया था वो भी विष्णु जी थे। जब उधर भोग खा रही तो बिल्कुल परेशान हो गई, अरे यहाँ पे यहाँ कैसे खा रहे हैं ये, यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ पे भगवान आ गए। जब वापस गई देखने के लिए तो अरे भगवान यहाँ खा रहे लल्ला, तो वहां गए अपने पालने में, देखे पालने से कौन उतार के लिया, इनको लगा जब पालने में तो आराम से वहां पालने में खेल रहे हैं, फिर भाग के इधर आई, फिर लल्ला को देख रही खाते हुए, वो बिल्कुल दंग रह गई। यहाँ वहां तो बालक देखा, अरे इधर देख रहे उधर देख रहे क्या हो रहा है, वो भ्रमित हो गई। और जब वो भ्रमित पड़ गई तो भगवान जैसे यशोदा मैया को एक बार अपना मुंह खोल कर पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे, वैसे ही भगवान ने मैया को जो है जब देखा कि मैया भ्रमित हो गई है, तो उनको पूरा अपना पूरा विश्व रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने देखा कि मैया ने पूरा देखा रूप, अरे हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव, हजारों नदियां पर्वत सब, न जाने कितने ब्रह्मांड नजर आ रहे उनके शरीर में, और हर तरह से वो जो है वो देख रहे हैं। जो माया सबको नचाती है, माया उनके सामने ऐसे डर के कांप रही है, काल डर के कांप रहा है, वो देख के, ये सब देख के भयभीत हो गई, अरे ये कौन है। और जो है तब भगवान ने और माया ने उनसे स्तुति करी, और जब माया ने स्तुति कर पुनः बाल रूप में आए और माया को फिर से मोहित, माता को फिर से मोहित कर दिया। ऐसी एक बार लीला थी भगवान राम की, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और दशरथ जी बुला रहे थे, आ जाओ लल्ला आ जाओ खा लो, मैं वो दाल चावल खिलाना चाह रहे थे अपने बच्चा को, बहुत प्यार करते। 60,000 साल बाद पुत्र मिला है। किसी को 7 साल बाद मिलता है प्यासे को तो कितना खुश हो जाता है, उनको 60,000 ईयर्स के बाद मिला है। तो बुला रहे हैं तो पकड़ में नहीं आते हैं, वो नहीं आते, नहीं आऊंगा। मैया पीछे पीछे भागती हैं उनको पकड़ने के लिए, तो किलकाली मार के भागते हैं और भाग रहे होते हैं, और जो है ऐसे ठुमक ठुमक के भागते हैं वो, उनके पैर की पंजनियां छन छन बज रही है और ठुमक ठुमक के भाग रहे हैं, और भागते हैं, और जो है मैया उनको गोद में समाओ पकड़ती हैं और वो किलकाली मार के हंसने लगते हैं। फिर दशरथ जी मुँह कहते मुँह खोल लल्ला मुँह खोल, और मुँह जब खोलते हैं रामचंद्र जी मुँह खोलते हैं तो उनके मुँह में दाल थोड़ा सा दही भात दही चावल डालते हैं, और जैसे ही डालते हैं और तो तुरंत छूट के भागते हैं वापस। वो कहते हैं जिनको एक से एक ऋषि मुनि नहीं पकड़ पाते, उनको मैया जो है भक्ति की वजह से पकड़ पा रही हैं, और दशरथ जी उनको भक्ति की वजह से खिला पा रहे हैं, इतने चपल हैं वो। ऐसे करके अपनी बाल लीला में बिल्कुल सबको प्रसन्न मुद्रा करते थे, हमेशा जो है प्रसन्न करते रहते थे सबको भगवान। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भक्त हैं वो भगवान के वियोग से बिल्कुल दुखी हैं, तड़प रहे हैं, भगवान को बहुत जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और जब वो जो है लेकिन इतने दुखी हैं, तो भगवान उनकी उनकी खुशी के लिए, उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए आते हैं। और जब इधर जो है भगवान आते हैं तो फिर हर जगह जब भगवान आते हैं, अब भगवान के आने के समय उस वक्त टाइम क्या था, ये टाइम कई बार होता है कि नक्षत्र सही नहीं थे, अब वह नक्षत्र सही नहीं है, तो भगवान इस समय
तो जब भगवान गाने के समय वो नक्षत्र अपने अपने सही ऐसी जगह सेट बना लिए, पूरा सही हो गए नक्षत्र डर के मारे बिल्कुल सही सेट हो गए, ताकि बिल्कुल भगवान बिल्कुल दोपहर के समय है और उस समय बिल्कुल भगवान अपना आते हैं। अब आ गए, थोड़े बड़े होते हैं, जब बड़े हुए तो हुआ भाई अब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर ली जाए, होता ना बच्चे पहले छोटे होते हैं उसके बाद तो पढ़ना शुरू करते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इधर जो है रामचंद्र जी के जब आने का हुआ तो उधर ब्रह्मा जी ने सबको बोला कि भाई आप सब जितने देवता हैं आप सब कुछ ना कुछ रूप धर के जाइए और ऐसे बनिए जिसके पास सारी शक्तियां हो, मतलब जब इच्छा जाओ तब दूसरा रूप बदल लो, जैसा इच्छा जाओ वैसा बन जाओ। इधर जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो भगवान ब्रह्मा की आज्ञा पा करके इंद्र वाली का रूप धर के आया, इंद्र ने वाली को जन्म दिया, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार को, कुबेर ने गंधमार, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण को और वायु ने हनुमान को जन्म दिया। कहते पवन पुत्र हनुमान, तो वायु ने हनुमान को जन्म दिया। और ये कैसे थे पता है? ये बिल्कुल पहाड़ जैसे ऊंचे थे, एक से एक बलशाली थे। और कितने संख्या में बानर लोग नीचे आए थे और कितने भाग में आए थे? तीन प्रकार थे, एक थे भालू, एक थे वानर और एक थे वानर सफेद वानर। तो दो प्रकार के वानर होते हैं, आप बंदर आपने सुने होंगे, एक होते राम बंदर एक होते हनुमान बंदर। तो जो राम बंदर होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के, उनकी पूंछ लंबी होती है। और जो हनुमान बंदर है वो बिल्कुल ब्राउन कलर के हैं। तो राम बंदर और हनुमान, तो इधर क्या है, एक वानर है जो राम, तो कभी जो ब्राउन बंदर काट ले तो चल जाएगा, अगर राम बंदर काट ले ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इधर जो है भालू वानर और एक सफेद लंबी पूंछ वाले वानर, ये सब लोग आए। और इनकी संख्या कितनी थी पता है? 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा वानर नीचे आए। सोचिए भगवान जब आते तो कितने लोगों लेके आते नीचे, इतने लोग आए यहां पर। और वो जो है बढ़िया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन भगवान राम ने जन्म लिया था तब, तो उस वक्त जो है और उनके साथ साथ सही सब लोग आए। अब आकर के जो है, अब ये तो थोड़े बड़े हो चुके हैं, अब हुआ कि चलो अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं। तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, दशरथ जी ने यज्ञोपवीत करवाया और यज्ञोपवीत करा करके उनको पठन पाठन के लिए भेज दिया। अब वशिष्ठ मुनि उनको पढ़ाने लगे। अब वो तो खुद ही सब, ऐसा कौन सा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञान ना हो, वो तो वेद उनके मुख से निकले हैं, तो भगवान को सारे वेद उनको पता, सब कुछ उनको पता। लेकिन तब भी भगवान ये सिखाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं कि तुम लोग जो है कुछ भी बनो लेकिन पढ़ाई करो, यानी वेद तो पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ने हैं। भगवान खुद पढ़ करके बताते हैं कि शास्त्र पढ़ने। तो जो शास्त्र का जो है अनुभव, जो पढ़ाई हुई वो शास्त्रों का, तो आप कर जब पढ़ लिया, अब हाथ में धनुष बाण ले लिए हैं, अब बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं। अब धनुष बाण लेकर के अभी आगे बढ़ते हैं। अब कथा थोड़ी बदलती है यहां से, धनुष बाण ले लिए हैं, अब वो कितने वर्ष के हो गए हैं? 16 साल के हो गए। थोड़ा सा यहां से जब 16 साल के हुए तो विश्वामित्र जो है इनके पास आते हैं, दशरथ जी के पास। कथा थोड़ा मोड़ ली यहां पर थोड़ा सा, अभी तो बिल्कुल आप देख रहे थे सुख का टाइम चल रहा था, मतलब बिल्कुल अच्छा दशरथ जी के लिए तो बहुत अच्छा था कि देखो बढ़िया खिला रहे थे, अपने आमो सामने बच्चे रखे थे, पढ़ के बच्चे आ गए थे, अब घर में हैं। अब 16 साल ही हुआ कि विश्वामित्र आ गए। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मारीच और सुबाहु नाम के दो बहुत भयंकर राक्षस हैं, ये राक्षस पूरा तहलका मचाए हुए हैं, जब भी हम लोग यज्ञ करते हैं या कुछ भी अनुष्ठान करते हैं तो ये लोग आकर के उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे मांस डाल देते हैं और खून डाल देते हैं। ये बिल्कुल दंग रह गए, कितना सब जो है डाल देते हैं मांस खून इत्यादि डाल करके उसको विनष्ट कर देते हैं। अब इनको लिए जो है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या, तो वो विश्वामित्र क्या किया, दशरथ जी के पास आए और उनसे बोला कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप देंगे? उन्होंने बोला, उनको क्या पता थी क्या मांगने है, उन्होंने बोला मैं तो राजा हूं, कुछ भी मांगे मैं दे सकता हूं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने मांगा और भगवान ने जो है उनको वो, तो जब दशरथ जी ने मांगा, दशरथ जी ने बोला आप कुछ ही मांगिए, तो विश्वामित्र बोलते हैं ठीक है, उधर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। अब जैसे ही जो है ये शब्द
इनके कानों में पड़े, पड़े तो कानों में, छिद्र हुआ हृदय में। कई बार होता है ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें जो है कभी ऐसा ऐसा बोल देते हैं जिससे हमारे हृदय को बड़ी बड़ी कड़वाहट हो जाती है, हृदय में बहुत बुरा फील होता है। अरे ऐसा क्यों बोल दिया, अरे वैसा क्यों बोल दिया। कानों में बात जाती है लेकिन चोट हृदय को लगती है ना, यानी सुनने वाला कान है और तकलीफ हो रही हृदय को, और ये भेद दिया उनके, और उनका शरीर कांपने लगा और ये शरीर कांप के मूर्छित हो गए। दशरथ जी जैसे सुना कि इनको ले जाने वाली बात है, अब ये ले जाने के लिए तो फिर थोड़ा सा होश आया तो कहते हैं, अरे मुनिश्रेष्ठ आप मुझसे मेरे पुत्र मांग रहे हैं, मैं इनको प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत मुश्किल से मेरे पुत्र प्राप्त हुए हैं, ये तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको ये क्या कर सकते हैं, ये तो इतने छोटे प्यारे सुकोमल है, देखिए हाथ कितने छोटे हैं, कितना कोमल शरीर है, जरा सा इनको जरा सा कोई टच हो जाएगा तो इनको कितना दुख होगा। मैं आपको अपनी एक अछौनी सेना देता हूं, मैं खुद जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मेरे बच्चे लेके मत जाइए। और ऐसे करके और कहते हैं, अगर मैं ये चले गए तो मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं इनके बगैर जीवित भी नहीं रह सकता, इनको लेके मत जाइए। बहुत दुखी, फिर से मूर्छित हो रहे हैं, फिर से उठ रहे हैं, विश्वामित्र देख रहे हैं, और विश्वामित्र देख करके जो है तो फिर विश्वामित्र उनको और बताया, आप युद्ध करने चल सकते हैं, लेकिन पता ये किसने भेजे हैं, ये मारीचि और सुभाव को, ये भेजा रावण ने। आप जानते हैं रावण का क्या काम रह गया, पूरे हर जगह केवल अधर्म फैलाना, कोई धर्म के कार्य करे तो विनष्ट करना, आपको पता है। अगर इस समय रावण जो है इस तरह से आ गया है, अत्याचारी बन गया है, तो तुरंत और दूसरा झटका लगा, कहते रावण से कौन युद्ध कर पाएगा, वो मेरे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे रावण से कैसे युद्ध कर पाएंगे, वो तो अति भयंकर राक्षस है, उससे युद्ध करने की दुनिया में क्षमता नहीं है। और बहुत ही विक्षिप्त होकर के, बहुत दुखी होकर कहते आप कुछ भी मांग लो, इनको मत मांगो, और पैरों में गिरने लगे। तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने बोला अरे राज कैसे मूर्खता वाली बात करो, हे राजा, हे मूर्ख राजा, तुमने अभी बोला था कि तुम अपने वचन पे खड़े उतरोगे, तुमने बोला था कि तुम दोगे, अब तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं दोगे, तुम तो रघुवंश में पैदा हुए हो, तुम क्या रघुवंश की बात समझते हो, रघुवंश में पैदा हुए व्यक्ति हो, तुमको अपनी बात बोल दिया तो उसमें कायम रहना है। दशरथ इधर बिल्कुल परेशान, तब ये सब जब ये दृश्य देखा और इनको विश्वामित्र को काफी क्रोधी देखा, तो वशिष्ठ मुनि तुरंत ही आते हैं, दशरथ जी से कहते हैं, हे प्रभु आप परेशान ना हो, यह विश्वामित्र स्वयं राजा थे, इनके पास तो दिव्यास्त्र हैं, जो शिव के दिव्यास्त्र हैं, इन्होंने जो शिव के जो दिव्यास्त्र हैं उनके पास अवेलेबल हैं, और आपके पुत्र वो खुद भी मारने में क्षमता रखते हैं, लेकिन इस समय ब्राह्मण के रूप में है, इस समय क्षत्रियों वाला काम नहीं करेंगे, इसलिए आपके पुत्र लेके जा रहे हैं, आपके पुत्रों को कुछ नहीं होने देंगे, इनकी जो दक्ष की पुत्रियां थी जय और सुप्रभा, उन्होंने ये जो उत्पन्न किए थे भारी भरकम जो अस्त्र दिव्यास्त्र, वो जो शिव जी के पास थे उन्होंने इनके पास है, ये पक्का आपके पुत्र को देंगे 100%, क्या परेशान ना हो, और जब पुत्र को लेके जा रहे थे पूरी रक्षा भी यही करेंगे। तब इनको थोड़ा संतुष्टि मिली इनकी बात सुनकर, और वो सहमत हुए, कहते हैं ठीक है, ठीक है आप ले जाओ। ऐसा करके उन्होंने बोला, उनको बुलाया, राम सभी लोग आए, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इन्होंने देखा, आहा क्या आनंद, कितने सुंदर भगवान, देख के विश्वामित्र की आंखें बिल्कुल तृप्त हो गई, जैसे आपको बहुत भूख लगी और पूरा अच्छा खाना मिल जाए, अंदर से तृप्ति मिल जाती है, वैसे भगवान राम लक्ष्मण को देखकर बिल्कुल तृप्ति मिल गई, उन्होंने चरण स्पर्श किए विश्वामित्र के और चलने के लिए तैयार हो गए। अब सरयू नदी से चलते रहे और जो है कुछ 12 मील चलने के बाद उन्होंने थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके, और जो है जब विश्राम करने के लिए रुके तो आप जानते हैं ब्राह्मण कभी भी अपना समय खराब नहीं करता, उन्होंने वहां विश्राम कराया और जल आचमन देकर के सबसे पहले क्या बोला रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, बोला कि मैं तुम्हें बल और अतिबल नाम के दो मंत्र सिखाऊंगा। बल और अतिबल क्या आता है, अगर आपको मिल जाए बल और अतिबल तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। बल और अतिबल का मंत्र का मतलब, ना आपको वृद्धावस्था आएगी ना कभी आपको थकावट आएगी। सोचिए अगर आज हमारे पास विश्वामित्र आ जाए, हमें कहते हैं आपको हम बल और प्रतिबल अतिबल देते हैं, तो आपको कितना आनंद आएगा। और उस बल और अतिबल के लिए जो है भगवान वो तो उनको इवन दो भगवान को ऐसा कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, उनको तो वृद्धावस्था कभी नहीं आती, वो तो जो है हमेशा ही 16 साल के नौ युवक बच्चे दिखते हैं, तो जो है वो कितने भी अनादि आदि से हैं,
लेकिन कैसे दिखते हैं, बिल्कुल 16 साल के सुकुमार दिखते हैं। तो जो है लेकिन इधर तब भी ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर रहे हैं विश्वामित्र, और उन्होंने जो है उनको बल मंत्र सिखाए। फिर जब मंत्र ग्रहण कर लिया, तो जैसे ही मंत्र ग्रहण करते, जैसे आप गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, आपको एक चेहरे में एक चमक आ जाती है, शरीर जो है बिल्कुल प्रकाशमान हो जाता है। वैसे जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने जब ये बल और अति बल का जब मंत्र लिया, तो वो बिल्कुल चमक गए। वैसे ही वो चमक रहे थे, लेकिन और थोड़ा सा उनमें जो है प्रकाश दिखने लगा, तो तेदीप्यमान होने लगे। और उधर जाकर के वो सरयू और वो सरयू नदी के किनारे बैठ गए। अब जब बैठे, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ये कौन सी जगह है जहां पे इतने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, ये जगह कौन सी है? सब कुछ पता है तब भी पूछ रहे हैं, ये कौन सी जगह है, इतने ऋषि मुनि कहां से इतनी कुटिया बना के यहीं पे क्यों रह रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि भगवान शिव की जगह है, जहां पर भगवान शिव अपना बिल्कुल ध्यान में बैठे थे और कामदेव आए, और कामदेव आकर के उनको ध्यान को भंग करने की कोशिश किए, तो शिव जी ने कामदेव को वहीं पे जो है विनष्ट कर दिया, भस्म कर दिया था। ये वो जगह है। ये सुनकर के उनको और आनंद प्राप्त हुआ। और इस तरह से जो है जब वो आगे चले, तो नदी तो दिख रही थी उनको, लेकिन एक बड़ा साउंड दिख रहा था, बहुत आवाज आ रही थी, झरझर 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 झर की आवाज उनको बहुत सुनाई दे रही थी। इतना बड़ा आवाज, उच्च स्वर का आवाज सुना, तो उनको रामचंद्र जी को ने पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन सा स्रोत है? तो उन्होंने बताया विश्वामित्र ने कि ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा एक मानसरोवर उत्पन्न किया है, और मानसरोवर से ही जो पानी आ रहा है ये सरयू नदी के रूप में आ रहा है। उस मानसरोवर से जो गिरता हुआ पानी, उसकी आवाज है। तो जो है इधर उनको प्रश्न का उत्तर मिला। तो जैसे जैसे तो यानी जब हम गुरु के पास होते हैं, जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं, तो हमें लगातार गुरु से अपने प्रश्नोत्तर करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पूछते रहना चाहिए। लेकिन फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, गुरु बहुत पिटाई करते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए गुरु से। और जब आगे गए तो एक घने जंगल से निकल रहे थे, वहां देखा विश्वामित्र। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो विश्वामित्र को साथ लेके जा रहे थे, रास्ते में क्या क्या हुआ। अब जब जा रहे हैं तो उन्होंने घने जंगल में क्या देखा, एक निर्जन वन देखा जहां कोई नहीं रह रहा। और जब आप जानते हैं जहां कोई नहीं दिखता, वहां पर साए साए आवाज आती है, और वहां एक ऑटोमेटिक डर बन जाता है। तो रामचंद्र जी बोला किसी साधारण व्यक्ति को डराने के लिए कैसा वन है, कैसा ये घनघोर जंगल है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो स्थिति अब यहां पर थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं वृतासुर की। एक वृतासुर था जिसको इंद्र ने मारा था। इंद्र ने जब मारा था तो उसको वो इतना तेजवान था कि उसके मारने से इंद्र का तेज कम हो गया। जब इंद्र का तेज कम हुआ तो इंद्र को फिर से वैदिक मंत्रों के द्वारा उनको गंगा जल से स्नान कराने के बाद सब कुछ जब तैयार किया, फिर तो वापस उनकी पुरानी सिद्ध में लाने के लिए, तो हम लोग वृतासुर की कहानी पढ़ेंगे भागवतम में। तो जो है वो सब आगे कहाँ गिरा, जमीन में, यानी यहीं पर गिरा करके पृथ्वी में। तो अब जब ये पृथ्वी से के ऊपर गिरा, तो इंद्र ने पृथ्वी पर कृपा करने के लिए बोला कि अभी ये पानी चीज नीचे गिर गया है ना, ये जो यहाँ पर जो मेरा ये निगेटिव एनर्जी जो नीचे गिर गई, उसको मैं सबसे बड़ा पॉजिटिव कर दूंगा, चिंता ना करो। और यहाँ पर बहुत वैभवशाली देश होगा। तो वहां पर क्या तैयार हुआ, मलद और करुष। आप लोग अगर पेन कॉपी हाथ में ले तो लिख सकते हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। ये मैंने बहुत बहुत अध्ययन के द्वारा कुछ कुछ चीजें निकाला है, वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो कहते हैं मलद और करुष नाम से दो राज्यों की स्थापना हुई वहां पर, लेकिन और वहां पर एक ताटक नाम के दुष्ट राक्षसनी वहां पे आ गई। ताटक जैसे ताड़का शुरू बोलते हैं, ताड़का ताड़का, तो उसका नाम है ताटक। तो वो आई और वो वहां पे आके प्रजा को सताने लगी। अब वो सताने लगी, देखो भगवान, आप आशा देखिए, भगवान राम जब निकले बाहर भला करने के लिए, तो सबसे पहले एक महिला मिली, स्त्री जिसको मारना था उनको, है ना। तो अब कहां भगवान राम, कहां एक स्त्री को मारना हो, कैसा उनके हृदय में आएगा। तो इसके बारे में लिखा है। अब वो बहुत उत्पीड़न कर रही थी, तो जिससे क्या, वो इतना उत्पीड़न कर रही है, देश में रहने वाले लोगों को इतना सताया उसने कि लोग भाग गए उस देश से, इसलिए अब ये सुनसान हो गया है। अब यहां जो भी आता ताड़कासुर को खा जाती है, इतना परेशान करती है। अब ताड़कासुर को देख करके कि अब वो बोलेंगे ताड़कासुर इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई, ये एक्चुअली में है कौन ये ताड़कासुर। तो जो है कहती हैं कि ये ताटक है कौन। तो कहते हैं कि एक बार विश्वामित्र बताते हैं रामचंद्र जी को, सुकेत नामक एक शक्तिशाली यक्ष था। उसने क्या किया, बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को उससे प्रसन्न किया था यक्ष ने।
और जब प्रसन्न किया तो सुगेत ने बोला मुझे पुत्र ही चाहिए, एक पुत्र प्राप्त करना है। अब लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको पुत्र दे देते लेकिन पुत्री दे दी, पुत्री प्राप्त हो गई। अब जो पुत्री मिल गई तो उसका नाम उन्होंने ताटक रखा, ताटक। आप सोचिए ब्रह्मा जी का आशीर्वाद के बल पे पुत्री आई तो कितनी शक्तिशाली वैसी होगी, लेकिन उस समय तो राक्षसी नहीं थी। और जब वो युवा हुई तो जम्ब के पुत्र सुंदर से उसका जो है शादी करा दी गई। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा सुंदर ने काम कर दिया कि अगस्त ऋषि ने क्या किया, सुंदर को मृत्यु का श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें मृत्यु का श्राप मिलेगा। अब जब जो है उसकी मृत्यु हुई तो ताटक और उसका और जो मरीच है, मरीच वो ताटक का ही पुत्र है, तो ताटक और मरीच आते हैं किसके लिए, युद्ध करने के, अब इनको मारने के लिए अगस्त ऋषि को। तो अगस्त ऋषि को जैसे मारने है तो अगस्त ऋषि तो ऋषि है, उन्होंने एक श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग नरभक्षी राक्षस बन जाओ। एक तो मनुष्य रूप में इतने शक्तिशाली थे, उनको राक्षस बनने का श्राप दे दिया, तो उस तरह से वो बहुत शक्तिशाली राक्षसनी बन गई और ऐसे परेशान करने लगी। अब जो है अब उनको ये लग गया कि ताटक को देख करके रामचंद्र जी के अंदर दया आ रही है कि स्त्री, मैं स्त्री को कैसे मारूं। तो उन्होंने बोला कि देखो, कुछ उदाहरण दिए, देखो तुम जो है ये मत सोचो कि स्त्री है, इसको मारने में तुम्हें तकलीफ होगी, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये स्त्री है। लेकिन अगर तुम पीछे उदाहरण देखो तो भृगुमनि, जो भृगुमनि की पत्नी थी, भगवान विष्णु ने उनका वध किया था, इसका कथा है, बड़ी कथा है, बताऊंगा कभी। और फिर जो है फिर इसको क्यों करना चाह रही थी, क्योंकि वो इंद्र की हत्या करना चाहती थी, भृगुमनि की पत्नी, इसलिए विष्णु ने उनको मार दिया था। और इसी तरह से जो है जो इसमें इंद्र ने विरोचना की पुत्री को मारा था क्योंकि वो पृथ्वी को नष्ट करना चाह रही थी। ऐसे ऐसे करके उन्होंने उदाहरण दिया ताकि रामचंद्र जी को प्रॉब्लम ना हो। तो जो है रामचंद्र जी का ठीक है, और उन्होंने अपनी धनुष उठाया और एक प्रत्यंचा चढ़ाई और धड़ से मारा, इतना तेज साउंड हुआ उसमें कि वो बिल्कुल जो है सब कुछ हिल गया वहां का। और ताटक को इतना गुस्सा आया, वो चली आई सीधे, कहती देखें ये कौन है जो इस ढंग से कर रहा है। और इतनी भयंकर विशाल काय राक्षसनी थी वो कि जब वो आई तो सब कुछ अंधेरा हो गया उधर, जैसे बादल आ जाता है, बिल्कुल कालिमा छा गई, इतनी ऊंची थी उसकी आवाज, उससे गंध इतनी खतरनाक थी। उसको देख करके रामचंद्र जी कहते देखो कितनी खतरनाक राक्षसनी है, कहते लेकिन इसके वो बाद भी ये स्त्री है। तो देख सोचिए भगवान स्त्रियों के लिए कितना सम्मान रखते हैं, यानी स्त्रियों को के स्त्रियां हत्याचुत नहीं होती, उनको हत्या के लिए नहीं बनी होती, वो सम्मान के लिए बनी होती है। और भगवान ने कहा कि एक काम करेंगे, इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि मृत मारना स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, इसको हम लोग हाथ पैर काट करके छोड़ देंगे। मैं हाथ पर काट दूंगा, एज यूजुअल तुम नाक काट देना। लक्ष्मण जी नाक काटने बहुत स्ट्रांग है, सूर्य नका की नाक काट दी, और जय इसकी भी ताटका की भी बोलते हैं कि तुम नाका काट देना। अब वो हाथ पर काटे, उसने बिल्कुल पत्थरों की बारिश करी, बहुत गंदा गंदा बारिश किया इसने, और भगवान ने सब जो है बचाया रामचंद्र जी ने। बाद में जो है वो अब जब ऐसे करके अदृश्य हो जाती थी बार बार, तो रामचंद्र जी ने क्या उसके हाथ पर काट दिए और लक्ष्मण जी नाक काट दी, सब काट दिया, लेकिन उसके बाद वो अदृश्य हो गई, फिर से बारिश करने लगी। तो फिर जो विश्वामित्र ने कहा आप बिल्कुल दया ना करें, क्योंकि ये ऋषि अभी बहुत पावरफुल हो जाएगी जैसे थोड़ा सा समय और बीतेगा, और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप कृपया इसको मार दें। फिर भगवान ने एक स्वर्ण बाण निकाला जो भयंकर पावरफुल था, और जो है उसको सीधे तरकस में डाल के तरकस से निकाला, और जैसे मारा राक्षसनी का वहीं देहांत हो गया। तीसरे भगवान ने ये दिखा दिया कि भगवान उस वक्त कितने, यानी उस ताटक को मारना इतना आसान नहीं था, भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता था। भगवान ने उसको मारा और मार करके फिर वो आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही मारा तो आप जानते हैं देवता लोग तो पुष्प हाथ में लिए खड़े रहते हैं, जैसे ही मारा भगवान के ऊपर पुष्प की बारिश शुरू हो गई और भगवान आगे बढ़ने लगे। तो सोचिए भगवान अभी कितने उम्र के हैं, 16 साल के दोनों बच्चे हैं, छोटी कितने 16 साल की उम्र ही कितनी होती है, आप सोचिए अभी हम लोग कितने उम्र के, 16 साल का बच्चा है वो जो है वो। और लेकिन जब ताटक की मृत्यु हुई, उन्होंने जो 16 साल के बच्चे ने उनको मारा, तो जो श्रापित थी ना, श्राप की वजह से वो बनी थी राक्षसी, और उस मृत्यु के तुरंत ही बाद जैसे उसकी मृत्यु, वो तुरंत जो है अपने वास्तविक स्थिति में आ गई। यानी भगवान ने मार कर तार दिया, यानी मार कर तार देना केवल भगवान के हाथ में, भगवान जिसको मारते हैं उसको तार देते हैं। तो जो है इसे दिनेश चंद्र बाबू लिखे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की जय, भगवान के हाथ से मरना भी परम गति को प्राप्त कर। अरे वाह हरि बोल, बहुत अच्छा लिखा आपने, यानी भगवान के जो है हाथ से, यानी मर करके, मर के भी तर गई वो थी ताटका। अब इस तरह से जो है
फिर विश्वामित्र उनको आगे लेके जाएंगे। अब आगे क्या होगा, विश्वामित्र के हाथ में है वो लोग, विश्वामित्र उनको पूरा दिव्यास्त का ज्ञान देंगे, दिव्यास्त देंगे देवताओं के कहने पर, और दिव्यास्त प्राप्त करने के बाद और जब जब रामचंद्र जी के पास और ज्यादा हाथ में हथियार आ जाएगा, तो उसके पश्चात वो क्या करेंगे, जाएंगे और फिर आगे रामचंद्र जी का विवाह होगा। तो सब कुछ आगे बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं, हमको तब कथा करते तो लगता कथा करते रहे, लेकिन ये समय का बंधन भी हमारे पास में है। तो आज हमने क्या देखा, भगवान जन्म कितने अच्छे से जन्म लिया, उन्होंने कितने अच्छे से लीलाएं करी, बाल लीला करी, दशरथ जी सबको खूब प्रसन्न किया, कौशल्या मैया को, और प्रसन्न करने के बाद वो चारों भाइयों ने जाकर क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करी और वेदों का ज्ञान लिया, और जो उनको पहले जो वेद उनके मुख से निकले उसी वेदों को वापस सुन लिया, और उसके बाद जाकर के वो, और ये कथा सुना कौन रहा है पता है आपको, लव कुश सुना रहे, किसको सुना रहे, भगवान श्री राम को, है ना, और उनकी सभा में बैठे लोगों को। अब जो है ये करने के बाद अब दाटक की जो मृत्यु हो चुकी, अब मृत्यु के बाद अब आगे जो है विश्वामित्र के साथ कैसे कैसे होगा हम आगे देखेंगे अगले भाग तीन में। तो भाग तीन होगा, फिर भाग चार, ऐसे करके हमारे भाग नौ तक चलेंगे, और भाग नौ तक भी हमने बहुत अपूर्ण अपूर्व आनंद उठाएंगे, यानी पूरा का पूरा आनंद ही आनंद लेंगे। तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान से, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे ही सुनते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि बहुत अच्छी कथा है, सब लोग सुने, क्योंकि इसको कान से सुनने से हृदय का मल साफ हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल के दिन फिर 9:30 बजे इसी कथा में, राम कथा में। श्री राम जी की जय, जय श्री राम। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्ण।